हेलो व्यूअर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा कंप्यूटर है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर में वाईफाई कैसे सेटअप करेंगे और सेटअप करने के बाद उसमें इंटरनेट आप कैसे चलाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी हमारा कंप्यूटर होता है उसमें वाईफाई नहीं होता है। वाईफाई बनाने के लिए दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे हाथ में, जिसको वाईफाई अडाप्टर बोलते हैं, जो मार्केट में लगभग 150 रुपये के आसपास आता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी इसको परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि ये वाईफाई अडाप्टर को अगर हम यूएसबी में यहां पे कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा टोटल जो सीपीयू जो है वाईफाई इसमें सेटअप हो जाएगा। और जिस तरह से हमारा लैपटॉप में वाईफाई की इंफॉर्मेशन मिलती है, वैसे ही बिल्कुल यहाँ इस कंप्यूटर में वाईफाई के अगल बगल में जितने भी वाईफाई से रिलेटेड जो सिग्नल होंगे उसके इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो का शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इंटरनेट अगर देख रहे हैं, हमारा जो है इंटरनेट चलाने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, गूगल क्रोम की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम यहाँ पे, अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम चाहते हैं, यहाँ पे अगर जागरण पेपर पढ़ना चाहते हैं, तो जागरण न्यूज़पेपर अगर यहाँ पे हम लिख के अगर सर्च करते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बता रहा है कि नो इंटरनेट, मतलब हमारे जो कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। मतलब हमारा जो सीपीयू है वह ना तो वायर के माध्यम से, ना तो वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे, जैसा कि देख रहे हैं, यूएसबी पोर्ट है। और दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ 150 रुपये में आप अपने कंप्यूटर का जो सीपीयू है उसको आप वाईफाई इनेबल बना सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों, मैं जैसे ही इसको इंसर्ट करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो छतरी जैसा यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे स्टार दिख रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही हम इस पे हम प्रेस करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे एक बार पुनः बताना चाहेंगे कि सिर्फ इसको वाईफाई अडाप्टर को यहाँ पे कट, तो दोस्तों यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि सिर्फ वाईफाई अडाप्टर लगाने पे ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा वाईफाई का टावर यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। जैसे ही इस पे हम प्रेस करेंगे, तो जो भी हमारे अगल बगल में वाईफाई के जो सिग्नल्स होंगे उसके इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारा मोबाइल जिसमें मैंने अपने वाईफाई का नाम माई नेट रखा है, इस पे हम प्रेस करेंगे। और जैसे ही प्रेस करेंगे, तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, कनेक्ट ऑटोमेटिकली। इस पे हम क्या करेंगे, आप कनेक्ट करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हमको पासवर्ड लिखना होगा। पासवर्ड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, मैंने वहाँ पे जो अपने मोबाइल में पासवर्ड वहाँ पे डाल रखा था, बिल्कुल आपको यही पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। आप चाहें तो पासवर्ड को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर यहाँ पे दिख रहा है, सही है। और फाइनली यहाँ पे नेक्स्ट पे हम प्रेस करेंगे और यहाँ यस कर देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारा कंप्यूटर है ये वाईफाई इसमें सेटअप हो चुका है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, कनेक्टेड करने का मतलब हमारा कंप्यूटर जो है ऑनलाइन हो चुका है। अब हम यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि इंटरनेट चलाने के लिए गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो जैसा कि देख रहे हैं, जागरण न्यूज़पेपर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। जैसे ही हम यहाँ पे जागरण पे अगर जो इसकी वेबसाइट है उस पर हम प्रेस करेंगे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जागरण पेपर ओपन हो चुका है। क्या हुआ? तो दोस्तों, और भी अगर हम कोई वेबसाइट, जैसे चलिए मैं यहाँ पे YouTube आपको चला के दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, YouTube है, इस पर हम जैसे ही हम इस पर प्रेस करेंगे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे YouTube का जो है होम पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहेंगे, इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी धीमी है, थोड़ा हमें इंतज़ार करना होगा। और फाइनली, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पे यूट्यूब का जो है होम पेज ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, यह वह तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर में वाईफाई को सेटअप कर सकते हैं और इंटरनेट बहुत ही आसानी से चला सकते हैं, और इंटरनेट से रिलेटेड काम को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं।